आप बताइए क्या है आपका एजोला, ठीक है, इसको क्या करना है आपको? ऐसे आज मैं बात करने वाला हूँ एजोला को लेके। देखिए एकदम हरा हरा एजोला। हाय फ्रेंड्स, मैं पोषणजीत वेस्ट बंगाल से। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से बोल रहा था जो देखिए आपका सीट और फीट अगर फ्री हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के लेके मैं कल लाइव आया था, तो जो जो देखा नहीं आप प्रीवियस जाके एक बार देख लीजिए। इसका साथ आज मैं बात करूंगा एजोला को लेके। देखिए एजोला कल्चर लेके मैं हर वीडियो में बताता था, एक साल पहले भी जो मेरा ट्रेंडिंग था वहां पे भी बताया था, और 6 महीना पहले भी बताया था आपको एजोला खिलाना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन आता है कितना लाइन से आपको एजोला को खिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, आप एजोला 100 लाइन से मछली को खिलाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका कैटफिश है उसमें 20% एजोला खिलाइए, अगर आपको आईएमसी है तो 70% आप एजोला खिला सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इसमें कैसे खिलाना है, जैसे आपका टैंक में 100 kg फिश है तो इसमें 3% आपको फीड देना है, ठीक है? तो मतलब आपका 100 kg में 3 kg खाना देना है, ठीक है? तो इसको 3 kg खाना आप 3 बार में देते हो, ठीक है? तो ऐसे 3 kg खाना 3 बार में देते हो, तो मतलब एक एक बार में 1 kg। अगर आपका आईएमसी होता है तो 1 kg का 1 kg में 700 ग्राम आप पहले एजोला दीजिए, उसका बाद 300 ग्राम आप फीड दीजिए। क्लियर हो गया? मतलब आपका जितना खाना देना है, अगर आईएमसी होगा तो 70%, और अगर आपका कैटफिश होगा तो 20%। जैसे आपका कैटफिश है और 10 kg है तो 10 kg में 100 kg है, ठीक है, 100 kg है, उसमें आपको 3% मतलब 3 kg खाना देना है, तो एक एक बार में 1 kg, तो उसमें अगर 20% होता है तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम एजोला दीजिए, उसका बाद 800 ग्राम फीड दीजिए। ऐसे पार्ट डे आप इसको खिला सकते हो। उसका बाद बात आता है अगर छोटा मछली है तो कैसे उसको देना पड़ेगा। तो देखिए साइड से जो वीडियो चल रहा है उसको देख लीजिए, अगर छोटा मछली है तो वो खाना आपको कैसे देना है एजोला को, तो ऐसे आप दीजिए। उसका बात आता है एजोला खिलाने से फायदा क्या है। फ्रेंड्स, एजोला एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत ही आपका कॉस्टिंग को कम करेगा, बहुत लो कॉस्टिंग में ये बनता है, करीब करीब 1 रुपया kg भी आपको कॉस्टिंग नहीं आता है, और इसके लिए आपको सेट का जरूरत नहीं है, कुछ चीज का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं आज आपका साथ में बात कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा केबीके बहरमपुर मध्य प्रदेश, केबीके बहरमपुर का मध्य प्रदेश नाम डॉक्टर अनमोल देशमुख। हाँ, डॉक्टर अनमोल देशमुख बहुत दिन से केबीके में काम कर रहा है, एनिमल्स को लेके और बर्ड्स को लेके बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत फील्ड में जाके काम करता है। जो जो मध्य प्रदेश से हो आप उसका साथ कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बहुत ही फायदा होगा क्योंकि जिसको बहुत जगह में एजोला मिलता नहीं है, और एजोला का बहुत सारा काफी वैरायटी होता है, ठीक है, तो बहुत क्वालिटी होता है, तो सर तो हमको मछली के लिए कौन सा वैरायटी लेना है, तो इसीलिए मैं डॉक्टर अनमोल सर से बात किया, और डॉक्टर अनमोल सर आज मुझे वीडियो भेज दिया, क्योंकि मुझे जो लगा था, देखिए वीडियो में बना सकता था मगर कोई ऑथेंटिक केबीके से अगर किसी का वीडियो आता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका साथ साथ बहुत कुछ बात होता है जो हमको मालूम नहीं रहता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ अगर डॉक्टर लोग सामने आएगा, मेरे ख्याल से किसान लोग का बहुत फायदा होने वाला है। तो आप देख लीजिए अनमोल देशमुख का कौन है, उसका कुछ फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ। केबीके बहरमपुर मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब है, बहुत दिन से काम कर रहा है, और उन्होंने जो वीडियो दिया वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कैसे कल्चर करना है वो भी आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं है उसका कुछ सेट बनाना है, टाइम टू टाइम मतलब 15 दिन छोड़ के उसमें आपको मतलब जो गबर होता है, जो सुपर फॉस्फेट होता है, इसको डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इसका साथ साथ देखिए आपका एक आपको साइड में जो वीडियो दिखाई दे रहा है, तो ये लार्वा का भी आप कल्चर अपडेट कीजिए, और इसका साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट का भी थोड़ा सा कल्चर कीजिए, तो ये सारे चीज आपका फीड कॉस्टिंग को बहुत कम करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो देख लीजिए, दिखाने का कोशिश करूंगा। ये मेरा घर का पीछे वाला
पुरसा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमोल देशमुख, वस्तु विषय विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर, पशुपालन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप ये जो सामने यूनिट देख रहे हैं, ये मेरा अजोला यूनिट है। अजोला जो कि एक काई है, वाटर फन है, जो पशुओं में, मुर्गियों में और मछलियों में खिलाने के काम में आती है। अजोला की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, अजोला करोलिना, अजोला निलेटिका, अजोला माइक्रोफिना, अजोला फिलिकेलाइट, अजोला पिन्नाटा। आप जो यहाँ पे ये प्रजाति देख रहे हैं, ये अजोला पिन्नाटा की प्रजाति है, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर में हमने यहाँ डेमो यूनिट में रखा हुआ है। अजोला पिन्नाटा ये जो है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इसकी प्रजाति है कि जो फेवरेबल कंडीशन में, टेम्परेचर में, 4 से 5 दिनों में दुगनी हो जाती है। अजोला आप देख रहे होगे कि ये मुर्गियों का, पशुओं का और मछलियों का एक शाश्वत आहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है, इसमें लगभग ड्राई मैटर बेसिस पे देखा जाए तो 25% तक प्रोटीन होता है। मिनरल इसमें 10 से 15% होते हैं। वसा यानी फैट इसमें 3.5 से 4% होता है। NFE यानी नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट इसमें 46% तक होता है और फाइबर्स इसमें 15% होते हैं। तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये अजोला जो है, इसको कल्चर को इसके फीड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसे बनाया कैसे जाए। तो अजोला बनाने के लिए आपको 3 विधियाँ है जिसका आप इस्तेमाल करके अजोला अपने पशुओं के लिए, मछलियों के लिए या मुर्गियों के लिए बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने पक्के सीमेंटेड टैंक किए हुए हैं। ये सीमेंटेड टैंक मैंने पक्के किए हुए हैं, जो मेरे यहाँ पे 6 टैंक बने हुए हैं। अल्टरनेट डे में इसको यूज़ करता हूँ मेरी बकरियों के लिए, मुर्गियों के लिए और पशुओं के लिए आहार के रूप में। और आप अगर इसको खर्चा न करते हुए, क्योंकि ये कॉस्ट रिडक्शन का एक तरीका है कि इससे हम बहुत सारा पैसा अपने पशुओं का खाने का बचा सकते हैं, तो इसे बनाने के लिए आप कच्ची ईंटें भी रख के, उसमें पॉलीथीन सीट रख के और उसमें पानी भर के आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक होता है आपको कि जो आप गड्ढा बनाएंगे या पॉलीथीन के साये से उसको बनाएंगे, तो उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर तक आपको पानी भरना होता है। पानी भरने के पश्चात उसमें आपको 2 उंगलियों का लेयर मिट्टी का उस पर बन जाए, इतनी मिट्टी उसमें डालनी होती है। लगभग एक 10x10 के गड्ढे के लिए आपको 15 से 20 किलो की मिट्टी आपको उसमें डालना होता है। फिर आप उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दें। पानी भरने के बाद आपके गाय का जो कच्चा गोबर है, वो कच्चा गोबर का घोल बना के लगभग 15 से 16 किलो यानी 4 से 5 तगारी गोबर आपको लेना है और वो गोबर आपको अच्छे से घोल बना के इसमें छोड़ देना है। इसके बढ़वार के लिए पोटाश की मात्रा आवश्यक होती है। इसके लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसे हम कहते हैं, तो SSP आप लगभग 50 से 100 ग्राम SSP ले लें, उसका भी घोल बना के आप उसमें गड्ढे में डाल दें। ये आपका वाटर कल्चर तैयार होने के बाद अजोला कल्चर आपको जो कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर या जहाँ पे भी अजोला कल्चर अवेलेबल है, आप वहाँ से अजोला कल्चर ले सकते हैं। लगभग एक गड्ढे के लिए 2 या 3 किलो कल्चर सफिशियंट होता है। अगर तेज़ी से ग्रोथ करना हो तो 2 या 3 kg आप उसमें कल्चर ले लें और उसमें छोड़ दें। जैसे इसके बढ़वार के लिए लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारे किसानों का कहना होता है कि इसके बढ़वार के लिए सर शेड बनाना ज़रूरी है क्या। आप ये अगर यूनिट देख रहे होगे, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर का यूनिट है, इसमें कहीं पे भी मैंने शेड नहीं बनवाया है, क्योंकि एक कॉस्ट रिडक्शन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिना शेड के भी बना सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर का अब तक जो मेरी फाइंडिंग से 3 या 4 साल से मैं अजोला का कल्चर यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे पशुओं को खिला रहा हूँ, मुर्गियों को खिला रहा हूँ, तो बिना शेड के मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आज अप्रैल है, यहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मेरे अजोला की ग्रोथ पे कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। आप अगर ये देख रहे होगे तो ये अजोला है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी लीव्स जो है वो आप देख सकते हो और इसकी रूट्स भी है, जो इसकी ग्रोथ पूरी तरह से कंप्लीट है। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा एक विकल्प है आपके पशुओं के लिए, मुर्गियों के लिए और मछलियों के लिए। इसका इस्तेमाल करके आप अपना
फीड का जो प्रोपोर्शन है 1:1 रख के या 2:1 रख के, यानी 2% दाना और 1% अजोला, या 1% अजोला और 1% दाना इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सारा पैसा फीड का बचा सकते हो। वैसे देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेट की कीमत आज की मार्केट की जो है लगभग 30 से 35 रुपए किलो आज आपको दाना जो है मार्केट में मिल रहा है। और इसके अगर गुण देखते हैं तो इसमें सारे जो है सारे पोषक तत्व इसमें है। और उसी के साथ साथ इसको बनाने की विधि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर छोड़ देते हैं तो 1 किलो अजोला बनाने में आपकी मेहनत भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको 1 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप इसको फीड के रूप में इस्तेमाल करें और अपना बहुत सारा खर्चा आप इसमें बचाएं। धन्यवाद।